पातालकोट एक्सप्रेस का परिचालन पुनः हुआ प्रारंभ तेरह दिन बाद फिर से बहाल हुई सुविधा मध्य प्रदेश के भोपाल रेल मंडल में कार्य के चलते बीते तेरह दिनों से निरस्त पातालकोट एक्सप्रेस की सुविधा सोमवार 11 दिसंबर से यात्रियों को मिलना प्रारंभ हो गई है पूर्व निर्णय के अनुसार रविवार को पातालकोट एक्सप्रेस 14,624 फिरोजपुर से छिंदवाड़ा के लिए रवाना हुई ये ट्रेन निर्धारित समय सोमवार सुबह फिरोजपुर से छिंदवाड़ा पहुंची और फिर सिवनी के लिए रवाना हुई इसके बाद पातालकोट एक्सप्रेस चौदह हज़ार छिंदवाड़ा से फिरोजपुर के लिए रवाना होगी ट्रेन के परिचालन से लोगों को छिंदवाड़ा इटारसी भोपाल होते हुए सीधे दिल्ली तक प्रतिदिन ट्रेन सुविधा मिल जाएगी हालांकि इस ट्रेन में अगले एक हफ्ते तक छिंदवाड़ा से भोपाल तक स्लीपर श्रेणी में कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल है छिंदवाड़ा से इंदौर के लिए पेंच वैली एक्सप्रेस उन्नीस की सुविधा आज 12 दिसंबर से यात्रियों को मिलेगी ये ट्रेन भी 28 नवंबर से निरस्त है हालांकि रविवार को इंदौर से छिंदवाड़ा के लिए पेंचवेली एक्सप्रेस उन्नीस रवाना हुई जो सोमवार सुबह छिंदवाड़ा पहुंची और इसके बाद सिवनी पहुंची इस ट्रेन का रैंक बैतूल पैसेंजर के परिचालन में किया जाएगा हालांकि सोमवार शाम को पेंचवेली एक्सप्रेस का परिचालन छिंदवाड़ा से इंदौर के लिए नहीं किया गया मंगलवार से ही इस ट्रेन की सुविधा मिलेगी छिंदवाड़ा से चलने वाली प्रमुख ट्रेन वैली एवं पाताल कोट एक्सप्रेस के निरस्त होने से यात्रियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है इसकी शिकायत भी यात्री रेलवे स्टेशन पहुंचकर कर रहे हैं यात्रियों का कहना है कि भोपाल के लिए महज दो ट्रेन की सुविधा है ये सुविधा भी बंद है जबकि कम से कम एक ट्रेन होनी चाहिए थी मजबूरी में बसों में महंगा किराया देकर सफर करना पड़ रहा है सिवनी बैतूल पैसेंजर ट्रेन सेवा भी प्रारंभ हुई पेंचवैली एक्सप्रेस के रद्द होने से सिवनी से बैतूल एवं बैतूल से छिंदवाड़ा पैसेंजर ट्रेन का भी परिचालन बंद कर दिया गया था जिसके पश्चात सोमवार 11 दिसंबर को इस ट्रेन की सेवा भी बहाल कर दी गई